प्रभु के नाम में आशीषदायक इस अच्छे सुबह महिमा हो। यिर्मयाह नबी की किताब 13वीं अध्याय उसका 23वां पद हम ऐसे पढ़ते हैं, क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने दब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। आशीषदायक वचन के आधार पर बुरी आदतों को बदले विषय पर आए हम मनादी करें। यहां पर परमेश्वर हमें एक नया सृष्टि बनाकर हमारी बुरी आदतों को हमसे हटाकर अच्छी आदतों में बदलना चाहते हैं, किंतु मलयालम में ऐसे कहते हैं, जबरन रोटी खिलाने जैसा नहीं होगा, बल्कि खुद से हमें जो बदलाव प्रभु लाना चाहे उसके लिए समर्पण करें तो संभव है। कुछ ऐसे हैं जो सोचते हैं केवल पुराना ही ठीक है, नया सब बेकार है सोचकर जीवन को बिताते हैं। नया वेश, नई भाषा, नया काम करने की तौर तरीका देखने से ये सब नहीं चाहिए, केवल पुराना ही चाहिए कर जिद करते हैं। गाया हुआ गीत, पढ़ा हुआ वचन इत्यादि वो निरंतर पढ़ते हैं, और उसके अलावा कोई और भाग वो वचन का पढ़ना पसंद ही नहीं करते हैं। कुछ लोगों की बाइबल देखें तो भजन संहिता का भाग बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि केवल वो भजन संहिता ही पढ़ते हैं। ध्यान दे, कुछ बदलाव के लिए हमें कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु हमारा प्राथमिकता केवल उसका अच्छाई है तो निश्चित रूप से हम कोई भी असुविधा को सह पाएंगे। हमारे समूह में, कलीसिया में, हमारे घरों में कुछ बदलाव को देखते हैं तो उसकी आलोचना करने के लिए खुद पढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखें, हम शायद नई बात समझ नहीं पाए हैं इसलिए केवल उसकी आलोचना ना करने लगे। हमारी समझ से परे कुछ उस बदलाव के कारण उत्पन्न हो सकता है करके विश्वास करें, और उसे विश्वास करने की आप विनम्रता, दीनता हमें कार्य करें। एक समय पर हम कहा करते थे, रेडियो काफी है, टीवी की जरूरत नहीं है, टीवी हमें बिगाड़ देंगे इत्यादि, परंतु आज रेडियो और टीवी की जगह सोशल मीडिया ने ले लिया है। इतना अधिक हमारे व्यस्त जीवन में, नौकरी में, सफर में हम स्टेटस अपडेट करते रहते हैं। एक महीने में कईयों को कई सारी चीजें करने का समय नहीं होता है, करने को हजारों काम हैं। इस बीच अनेक बुराई या बुरी आदत हम में आ जाती है कि शायद हमें एहसास भी नहीं है। प्रियो, हमारे चारों ओर जरा नजर घुमाएं तो देखते हैं कि बड़ी तेजी से बदलाव को होते हुए हम देख सकते हैं। अक्सर हम जिस मार्ग से रोजाना गुजरते हैं, यदि कुछ महीनों बाद उसी मार्ग से गुजरे तो हम शायद पहचानने में भी हमें तकलीफ हो, इस तरह का बदलाव निरंतर होते रहते हैं। प्रतिदिन सूरज उगता है मानो जैसे नया संसार में आया हो, वैसे ही प्रतिदिन दुनिया में हजारों बदलाव को हम देखते हैं। नए नए परिस्थितियों में जब हम पढ़ते हैं या नए परिस्थिति जब उत्पन्न होता है तो उसका अनुरूप हम हो जाए उसके लिए हमें खुद को बदलने के लिए सीखना होगा। आत्मिक जीवन में हमारे अंदर आया हुआ अत्याधुनिक चीजों का प्रयोग, सोशल मीडिया का प्रभाव, इंटरनेट और वाईफाई का उपलब्धि हम अनचाहे आदतों का आधीन न बनाए। यदि कोई बुरी आदत अनजाने में हमें आ गई हो तो यीशु मसीह से क्षमा प्राप्त करें, एक बड़े बदलाव के लिए हम तैयार हो जाएं। क्योंकि हमारा समूह बदलता जा रहा है, एक फैक्ट्री का उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, विभिन्न रणनीतियों को अपनाने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करते हैं, जिन्हें हम इंडस्ट्रियल इंजीनियर या फिर एफिशिएंसी एक्सपर्ट इत्यादि नाम से उन्हें जानते हैं। वो लोग जरूरी निरीक्षण कर जो बदलाव लाना है उसकी सलाह देते हैं और उस बदलाव को लाने के लिए जरूरी लोगों को नियुक्त भी करते हैं। यदि
कोई ये कहे कि मैं यहाँ पिछले 20 वर्ष से अधिक समय से हूं और बदलाव को अपनाना नहीं चाहता हूं या अपनाने से मना करे, तो उस संस्था का उन्हें निष्कासित करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। प्रियो, हमारी जिंदगी एक बांध में जमा हुआ पानी सा ना बने, बल्कि उसे बहने दे और जहां कहीं वो पहुंचे जीवन उत्पन्न करे। उस बहाव में कोई बुरी आदत हम में प्रवेश ना कर पाए, बल्कि अच्छी आदत के साथ पवित्रता में हम अपने आप को संभाले। इसलिए हमारी सारी आदतें अच्छी ही हैं ऐसा ना सोचे, बल्कि बुरी ही है इस पहचान के साथ एक बदलाव के लिए आइए तैयार हो जाए। पवित्र परमेश्वर, आज सुबह आपके द्वारा सुनाए हुए वचन के द्वारा हमारी बुरी आदतों को तू हमसे दूर कर और अच्छी आदतों वाले हमें बनाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।